नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं अभिषेक गौरा और हम डील कर रहे हैं हमारी इस सीरीज में 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्टल वार्डन के करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चंस। अभी तक हमने 150 क्वेश्चंस डील कर चुका है। आज हम 151 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आज हम फिर से डील करेंगे जो हमारे हॉस्टल वार्डन के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां तक हमने डील कर लिया है 150th क्वेश्चन तक। 151 क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरसाइकिल टू रन ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी पर चलने वाला मोटरसाइकिल यानी कि बाइक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है दुनिया का, जापान, चाइना, इंडिया या फ्रांस? तो इसका जो जवाब है ये है हमारे लिए इंडिया। इंडिया ने क्या कर लिया है, सीएनजी पर चलने वाली पहली बाइक लॉन्च कर दी है, जो विश्व की अपने आप की पहली एक बाइक है। ऑप्शन नंबर टू है विच इंडियन, क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा, विच इंडियन एआई मॉडल वाज फीचर्ड इन द रिसेंटली हेल्ड मिस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आयोजित मिस एआई विश्व सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में किस भारतीय एआई मॉडल को शामिल किया गया था, जारा शतावरी, लारा मलशाशी, क्लारा काउंटी या फिर कैंजा लैली? का जो जवाब है, भारत से जारा शतावरी को क्या किया गया था, इस एआई ब्यूटी पेजेंट जो कंपटीशन था है ना, उसमें ये क्या है, विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता मतलब आपका मिस एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, उसमें भारत की तरफ से इन्हें फीचर किया गया और ये टॉप 10 तक पहुंच गई थी, टॉप 10 तक। और इसी प्रतियोगिता में जो कैंजा लैली है, जो मोरक्को की एआई मॉडल है, उन्होंने मिस वर्ल्ड एआई का खिताब 2024 का जीत लिया है। ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये अपने आप का पहला ऐसा वर्ल्ड कॉन्टेस्ट या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित कराया गया था जिसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई मॉडल्स का क्या था, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, जारा शतावरी जो भारत से हैं और कैंजा लैली क्या हुई हैं, मोरक्को से हैं, जो इस कॉन्टेस्ट को जीत। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंतरिक क्रिकेट परिषद द्वारा, ये आंतरिक नहीं अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पाने वाला पहला देश बन गया है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने एक महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला दोनों ही खिताब एक साथ जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है या फिर एक इतिहास कायम किया है? इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब एक देश को गया हो। ऐसा कौन सा देश हाल ही में बना है, ये आपको बताना है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर इंडिया? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। पहली बार भारत में इतिहास रच दिया है एक ही महीने में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला दोनों का ही खिताब जीत लिया है, किसने, भारत देश ने। अब वो कौन कौन है ये आपको बताना है, पहले आपको बताना है जून में ये जो आपका खिताब जीता गया, ये जीता गया जून 2024 में है ना, और इसी जून 2024 में मेल या फिर पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे ये आपको बताना है, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली? का जो जवाब है ये हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह को क्या मिला है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ मेल का खिताब मिला है। और वहीं पर आपको ये भी बताना है, वो बिकेम द प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल, मनप्रीत कौर, स्मृति मंडाना, दीप्ति शर्मा या फिर नन ऑफ द अबव? निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जून माह की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला बनी है, ये आपको बताना है, मनप्रीत कौर, स्मृति मंडाना, दीप्ति शर्मा या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो ये हो जाएंगी आपके पास में स्मृति मंडाना। तो स्मृति मंडाना और जसप्रीत बुमराह इन दोनों को ये खिताब मिलने के बाद में भारत देश ऐसा पहला देश बन गया है ने क्या, एक महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब एक ही महीने में जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड एज फ्लैग बियरर्स फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक में ध्वजा वाहक के रूप में जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें किसे चुना गया है ये आप लोगों को बताना है।
ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी उसमें किसने किसने ध्वजावाहक का काम किया ये आपको बताना है। पीवी सिंधु, ए शरद कमल, गगन नारंग, विनेश फोगट। तो यहां से पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल इन दोनों ने ही क्या किया था, ध्वजा वाहक की एक भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ द मिशन ऑफ पेरिस ओलंपिक। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक का चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु, ए शरद कमल, गगन नारंग या फिर विनेश फोगट। तो ये जो हमारे गगन नारंग जी हैं इनको क्या किया गया था, चीफ डे मिशन या फिर एक तरीके से आप नेतृत्वकर्ता मान सकते हैं किसका, ओलंपिक 2024 जो समर ओलंपिक पेरिस में हुए, समर ओलंपिक्स जो 2024 में पेरिस में हुए उसका भारत की तरफ से चीफ डे मिशन रहे हैं कौन, थी गगन नारंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्मार्ट स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन राज्य का पहला स्टेशन स्मार्ट स्टेशन बनने के लिए तैयार है? सीबीडी, नवा रायपुर, बिलासपुर, रायपुर या फिर कोरबा। का जवाब है ऑप्शन नंबर ए सी, तो नया रायपुर है। ये आपका क्या बनने वाला है, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप फ्रॉम छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय आपका पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए किन्हें चुना गया है ये आप लोगों को बताना है। राहुल सारथी, मोनू गोस्वाली गोस्वामी, मोहम्मद आदिल और महेश कुमार आजाद। केवल एक, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन और चार। तो इन चारों को ही क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए छत्तीसगढ़ से, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका क्या, चंपारण्य समटाइम ऑल्सो कॉल्ड चंपा झार इज नेम्ड आफ्टर चंपा, व्हाट इज चंपा। चंपारण्य को कभी कभी चंपा झार भी कहा जाता है, इसका नाम चंपा के नाम पर रखा गया है। चंपा क्या है, क्षेत्र में बहने वाली नदी, क्षेत्र में मौजूद पेड़, फूल या फिर तितलियों की विशेषता चीज है, ये विशेषता नहीं, तितलियों की एक प्रकार स्पीशी बटरफ्लाई। इसका जो जवाब हो जाएगा ये है चंपा के फूलों, चंपा के फूलों के वनों पर आधारित इस जगह का नाम पड़ा चंपा झार और हाल ही में इसे चंपारण्य के नाम से जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राकट्य बैठक जी एंड बैठक मूल प्राकट्य आर टू शैव टेम्पल्स दे आर फाउंड एट। प्राकट्य बैठक जी और बैठक मूल प्राकट दो शैव मंदिर हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं और ये चंपारण्य धाम में आपको प्राकट्य बैठक जी और बैठक मूल प्राकट्य नामक दो शैव मंदिर या फिर शिव मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स तांदुला एंड खरखरा डैम्स आर लोकेटेड। तांदुला और खरखरा बांध किस जिले में यहाँ पर आपके स्थापित है या फिर स्थित है ये आपको बताना है, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव या फिर कबीरधाम। तो तांदुला और खरखरा जो है ये ऑप्शन नंबर बी बालोद जिले में है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भिलाई स्टील प्लांट होता है उसे गंगरेल नदी से क्या किया जाता है, माफ कीजिएगा, गंगरेल डैम से पानी इंडस्ट्रियल वाटर दिया जाता है। अगर इसमें पानी ना हो तब की स्थिति में खरखरा को दिया जाता है और खरखरा से भी ना हो तब जाकर के किसे दिया जाता है, तांदुला डैम से भिलाई स्टील को पानी दिया जाता है। और पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि हमें तांदुला बांध से पानी देना पड़ा है किसे, भिलाई स्टील प्लांट को, क्योंकि गंगरेल डैम में भी पानी नहीं था, खरखरा में पानी नहीं था, तब जाकर के पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में तांदुला से पानी गया है किसको, भिलाई स्टील प्लांट को, इसलिए ये दोनों डैम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के कौन से मंत्री संसदीय मामलों के मंत्रालय के प्रभारी हैं या फिर विच मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। संसदीय कार्य मंत्री कौन है आपके राज्य के ये बताना है, बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा, विष्णुदेव साय या फिर केदार कश्यप।
तो ये है आपके केदार कश्यप, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले ये जो मंत्रालय था ये किसके हाथ में था, ये था आपके बृजमोहन अग्रवाल जी के हाथ में, लेकिन वो एक संसद बन गए हैं, संसद के सदस्य बन गए हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, जिससे उन्होंने छत्तीसगढ़ की मंत्री परिषद से एवं छत्तीसगढ़ की विधायिका से इस्तीफा दे दिया, और उनके पास में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मामला था, संसदीय मामले, वो किसको दे दिया गया, केदार कश्यप जी को दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, सेम क्वेश्चन है, केदार कश्यप इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द छत्तीसगढ़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लैब स्टैब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का पहला ईवी लैब, इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, आईआईटी रायपुर, एनआईटी रायपुर, जीईसी रायपुर या फिर जीई बिलासपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, इनमें से कौन सी जगह पर पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लैब स्टैब्लिश की गई है, इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टू न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन नोटिफाइड बाय इंडियन मेडिकल कमीशन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये, नवा रायपुर, अटल नगर, दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में 200 नए मेडिकल सीट आ गए हैं आपके, और कहां कहां पर नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने, कमीशन ने नोटिफिकेशन दे दिया है, ये आप लोगों को बताना है। नवा रायपुर, अटल नगर, दुर्ग, इन दोनों ही जगह में, एक जगह 150 सीट का एक कॉलेज और दुर्ग में 50 सीट्स के एक कॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए जवाब। तो 150 सीट्स का नया मेडिकल कॉलेज आपको देखने मिलेगा नवा रायपुर में, 50 सीट्स का नया एक मेडिकल कॉलेज आपको देखने मिलेगा दुर्ग में, दोनों ही प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, यानी कि निजी क्षेत्र के कॉलेजेस होने वाले हैं, और इसके बाद कुल मिलाकर के 2110 हमारे क्या हो जाएंगे, सीट्स हो जाएंगे एमबीबीएस के छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मेडिकल कॉलेजेस की कुल संख्या कितनी है, यानी कि वर्तमान में जो दो नए आपका नवा रायपुर, अटल नगर और दुर्ग, इन दोनों जगह पर जो दो नए मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, उनके खुलने के बाद में अब छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के कितने मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10, 17 है 15, सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी है 25। इसका जवाब हो जाएगा कुल मिलाकर के 15 मेडिकल कॉलेजेस हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंड प्राइवेटली ओन्ड मेडिकल कॉलेजेस इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी स्वामित्व वाले मेडिकल कॉलेजेस की संख्या क्रमशः कितनी है, ऑप्शन ए है 10 एंड 5, ऑप्शन बी है 5 एंड 10, ऑप्शन सी है 15 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी है 5 एंड 15। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ न्यू डिपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज एंड एड्रेसिंग पब्लिक इश्यूज, व्हाट इज द डिपार्टमेंट कॉल्ड, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और जन मुद्दों के समाधान के लिए नया विभाग बनाया गया है, इस विभाग का नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नमेंस एंड कन्वर्जेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस, हिंदी में है लोक कल्याण विभाग, अभिसरण और प्रबंधन विभाग, सुशासन और अभिशरण विभाग या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रबंधन और अभिशरण का विभाग। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
डिपार्टमेंट ऑन गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस, यानी कि सुशासन और अभिसरण विभाग के नाम से एक नया विभाग बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनकी स्थानीय बोली में शिक्षा प्रदान की जाएगी? फॉर कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन छत्तीसगढ़, स्टूडेंट्स अप टू विच क्लास विल बी प्रोवाइडेड एजुकेशन इन देयर लोकल डायलेक्ट, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फिफ्थ क्लास, ऑप्शन नंबर बी है एट्थ क्लास, ऑप्शन नंबर सी है टेंथ क्लास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ट्वेल्थ क्लास। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांचवी क्लास तक के बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में क्या करना है, पढ़ाई प्रदान करनी या फिर शिक्षा प्रदान करनी है। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी कवर्ड अंडर द कैपिटल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन द वर्ज ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कगार पर छत्तीसगढ़ के राज्य राजधानी क्षेत्र, राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिलों को शामिल किया जाएगा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या फिर धमतरी? तो कुल मिलाकर के रायपुर, नवा रायपुर, लाई और दुर्ग, इन चार जगहों को चिन्हांकित करके राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि आपके कुल मिलाकर के दो जिलों में पड़ेंगे, एक रायपुर जिला और एक दुर्ग जिला। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो, ओनली वन एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का दायित्व किस मंत्री के पास में है? विष्णुदेव साय, अरुण साव, टंकराम वर्मा या फिर उनमें से कोई भी नहीं। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन एवं वन का विभाग है, ये केदार कश्यप जी के पास में है, केदार कश्यप, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, नन ऑफ द अबव, ट्रिक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर टू भिलाई स्टील प्लांट इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स, ये है आपके उन महीने का करंट अफेयर्स से संबंधित, क्योंकि ये वो समय था जब तांदुला डैम से हमें क्या करना पड़ गया था, भिलाई स्टील प्लांट को पानी प्रोवाइड करना पड़ गया था। हमारा पहला प्रायोरिटी होता है गंगरेल डैम, गंगरेल डैम से हम बीएसपी को पानी प्रोवाइड करते हैं, अगर उसमें पानी ना हो तो खरखरा को, खरखरा डैम के पानी को हम वहां पहुंचाते हैं, लेकिन इन दोनों में ही नहीं होने के कारण पहली बार ऐसा हुआ है कि तांदुला डैम से हमें क्या करना पड़ा है, इंडस्ट्रियल वाटर भिलाई स्टील प्लांट को पहुंचाना पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इसे सब जूनियर नेशनल मिनी गोल्फ चैंपियनशिप के लिए चुन लिया गया है, इनमें से किन्हें सब जूनियर नेशनल मिनी गोल्फ चैंपियनशिप के लिए चुन लिया गया है छत्तीसगढ़ से? युगांश वर्मा, सोनाक्षी निषाद, गुणवंश निषाद, प्रीति निषाद। तो ये जो आपके युगांश वर्मा हैं, सोनाक्षी निषाद हैं और गुणवंश निषाद हैं, इन तीनों को ही क्या कर लिया गया है, चुन लिया गया है, और ये रायपुर के तारपोंगी नामक एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल वन टू एंड थ्री सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वेयर विल बी द सब जूनियर नेशनल मिनी गोल्फ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज इन अगस्त 2024 में मिनी गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया था, ये कहाँ कराया गया था, ये आप लोगों को बताना है। नवा रायपुर, बिलासपुर, कटक या फिर इंदौर? तो ये जो आपका सब जूनियर नेशनल मिनी गोल्फ चैंपियनशिप है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के तारपोंगी नामक जगह से युगांश वर्मा, सोनाक्षी वर्मा, गुणवंत निषाद, इन तीनों का चयन किया गया था, ये जो प्रतिस्पर्धा है ये डी, इंदौर में आयोजित कराई गई थी अगस्त में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन मानसून प्रहर इज रिलेटेड टू, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन मानसून प्रहर किससे संबंधित है, वर्षा जल के संरक्षण से? ऑप्शन नंबर बी है
छत पर सौर पैनल की सहायता, ऑप्शन नंबर सी है नक्सल विरोधी अभियान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्या मानसून के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने से। तो जो आपका ऑपरेशन मानसून प्रहर है या फिर प्रहार है, ये है आपका एंटी नक्सल ऑपरेशन, नक्सल विरोधी क्या है ये एक अभियान है। ऑपरेशन जल शक्ति इज रिलेटेड टू, छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन जल शक्ति किससे संबंधित है, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित है, छत पर सौर पैनल की सहायता असिस्टेंस ऑफ रूफ टॉप पैनल्स, या फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन नक्सल विरोधी अभियान, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग अटेंडेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल ड्यूरिंग मॉनसून। जाओगे जी कैसे, लाइट ऑफ है क्या अभी, क्या टाइम हो रहा है? तो ऑपरेशन जल शक्ति जो है ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है, एंटी नक्सल क्या है ये अभियान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में यूनिसेफ स्वास्थ्य और पोषण की बेहतरी के लिए तकनीकी सहायता देगा, यूनिसेफ किस जिले में स्वास्थ्य एवं बेहतरी के लिए, पोषण बेहतरी के लिए क्या देगा, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, गौरेला पेंड्रा मारवाही मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी खैरागढ़ चुगेदान गंडई या फिर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ये क्या मिलेगा आप लोगों को, यूनिसेफ के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा नशीली दवाओं और अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान का नाम क्या है, सशक्त निजात सूक्ष्म या फिर छू लो आसमान। तो छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका नाम है क्या, निजात कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग को किस वर्ष अपराध रोकथाम में IACP नेतृत्व पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इन विच ईयर डिड पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव्ड द कोवेटेड IACP लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन अवार्ड, 2021 22 23 या फिर 24। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 2022, 2022 में IACP यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट को क्या दिया गया था, IACP नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वॉज निजात कैंपेन लॉन्च्ड, निजात अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए है उदयन बिहार, ऑप्शन नंबर बी है विजय पांडे, ऑप्शन नंबर सी है संतोष कुमार सिंह और ऑप्शन नंबर डी है विवेक बंसल। तो ये जो संतोष कुमार सिंह थे हमारे IPS ऑफिसर छत्तीसगढ़ कैडर के, उनकी लीडरशिप में नशे के खिलाफ ये निजात कैंपेन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनिसेफ एस्टैब्लिश्ड, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, 1946, 1956, 1966 या फिर 1976। तो यूनिसेफ की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी ऑन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर टू 1946। ये सारे चीजों को हमने जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसमें सब डिटेल में डील कर लिया है। अभी हम बिल्कुल फैक्चुअली डिटेल में क्या करते चल रहे हैं, फैक्चुअली हम इसको डील करते चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, अक्रुक खोलखा मोहुत पौजा नियत निलयनार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं यहाँ पर जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए नियाद नेला नार नामक एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024 यानी कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में तृतीय संस्करण आयोजित कराया गया था, किसका, छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग का, और इसे कौन सी टीम ने जीत लिया है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मुंगेली हरिकेन पैशन, ऑप्शन नंबर बी है कवर्धा सुपर किंग्स, ऑप्शन नंबर सी है भिलाई स्टीलर्स, ऑप्शन नंबर डी है बजरंग फाइटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवर्धा सुपर किंग्स ने छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का तृतीय संस्करण जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसद सदस्यों को का मिलान 2024 में उनके द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों पर मिलान करना है, यानी कि एक तरफ आपको दिए हुए हैं क्या लोकसभा के सदस्य, दूसरे तरफ उनकी सीटें, और आपको करना है यहाँ पर क्या, मैच द फॉलोइंग। तो जो ब्रिज मोहन अग्रवाल जी हैं
ये रायपुर से जीते हैं तोखन साहू, बिलासपुर से लोचना महंत कोरबा से, और भोजराज नाग कांकेर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों के लिए यहां पर जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर तोखन साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिज पोजीशन इज कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर या फिर डिप्यूटी मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ के श्री तोखन साहू को भारत सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है, उनका पद क्या है? उनका पद है स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार वाले। माफ कीजिएगा, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं, ये हो जाएंगे आपका राज्य मंत्री। ये है कौन आपके? तोखन साहू जी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसमें तोखन साहू को स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके कैबिनेट मंत्री कौन है ये आपको बताना है। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी या फिर मनोहर लाल खट्टर। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री ये हैं आपके मनोहर लाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ ह्यूमंस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रूल्स वर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इन विच ईयर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मानव अंग प्रत्यारोपण नियम किस वर्ष में अपनाया गया था? 2014, 15, 16 या फिर 17। तो ये आप लोगों के 2014 में अपनाया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत स्कीम इज रिलेटेड टू, सुश्रुत योजना जो है ये किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यूपीएससी कोचिंग, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नीट कोचिंग, गूंगे और मूक बधिर छात्रों के लिए, यहाँ पर ये मूक बधिर लिख लीजिएगा इसको, मूक बधिर छात्रों के लिए शिक्षण और अध्ययन सुविधाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपके SECL के द्वारा आयोजित कराया जाता है सुश्रुत योजना, और जो कोयला प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर बोला जाए माइनिंग प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के इकोनॉमिकली जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको नीट की तैयारी कराई जाती है इस सुश्रुत योजना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा में निम्नलिखित में से किसने अधिकतम और न्यूनतम वोट प्रतिशत दर्ज किए हैं? मतलब सबसे ज्यादा जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2024 में, उसमें कौन सी लोकसभा सीट ने सर्वाधिक वोट पड़े हैं और सबसे कम वोट पड़े हैं वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सूरज सरगुजा एंड बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा एंड बस्तर, ऑप्शन नंबर सी है बस्तर एंड रायपुर, ऑप्शन नंबर डी है रायपुर एंड कांकेर। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक जो वोट पड़े हैं वो सरगुजा में पड़े हैं और जो सबसे कम पड़े हैं वो कहां पर? बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लोकसभा सीट्स मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन वोटिंग रिकॉर्डेड। ये आपके लोकसभा चुनाव की ही बात कर रहा है 2024 में, ये जा रहा है कि 2019 में जो चुनाव हुए थे वहां से लेकर के 2024 में जो चुनाव हुए हैं इन दोनों में सर्वाधिक वोट का प्रतिशत कहाँ बढ़ा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर सूरज सरगुजा। का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। बैठिए बैठिए, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है किसमें? आपके वोटिंग परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन है, 2019 के चुनाव की तुलना में किस लोकसभा सीट पर डाले गए वोटों की कमी हुई है? यानी कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय आपके जो वोट्स पड़े थे उससे कम वोट्स पड़े हैं 2024 में, ये आप लोगों को बताना है, है ना। तो ये आप लोगों का नन ऑफ द अबव है, क्योंकि 11 के 11 जो लोकसभा सीट्स हैं इन सभी में ही वृद्धि ही हुई है, कहीं पर भी वोट्स कम नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के स्वीप के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? इसका जवाब है आपका डॉक्टर के आर सिंह। डॉक्टर के आर सिंह क्या है? आपके स्वीप कार्यक्रम के अधिकारी हैं, कौन से? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, आरक्षण के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है? तो ये जो 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है रिजर्वेशन के मैटर में छत्तीसगढ़ सरकार को क्या करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, ये किसकी अध्यक्षता में की गई है? संगीता सिन्हा, गजेंद्र यादव, रामविचार निदाम या फिर खुशवंत साहेब, गुरु खुशवंत साहेब। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामविचार निदाम के
नेतृत्व में नेताम समिति गठित की गई है। अगला है मिशन बी इज रिलेटेड टू, मिशन बी किससे संबंधित है? घने वन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन से, मानव हाथी संघर्ष वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन से, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक द्वितीयक व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए, या फिर इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है मिशन बी। तो जहां हमारे छत्तीसगढ़ के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर मानव और हाथी का क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर बी कीपिंग की जाएगी ताकि हाथियों को आवासीय क्षेत्रों से ज्यादा दूर रखा जा सके। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी एशियाई ओपन बिल स्टॉक देखा गया है? तो ये जो एशियन ओपन बिल स्टॉक है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देखा गया है हाल ही में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ डू वी फाइंड द टेम्पल ऑफ गॉडेस खल्लारी? खल्लारी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? महासमुंद, दुर्ग, रायपुर या फिर धमतरी? आइए भाई, कहाँ पाया जाता है? महासमुंद, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who amongst the following has been honored with the Environmental Protection Warrior Award 2024? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। पर्यावरण संरक्षण वीरांगना का पुरस्कार 2024 में छत्तीसगढ़ की किस महिला को दिया गया है? सावित्री राठौर, पूनम साधु, मेघा वर्मा या फिर सरिता पैकरा? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरिता पैकरा। ये आपके जो अचानकमार टाइगर रिजर्व है वहां की एक फॉरेस्ट गार्ड है और जो डॉग स्क्वाड है अचानकमार का उसको लीड करती हैं ये सावित्री जी, माफ कीजिएगा सरिता जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट कैडेवर डोनर ऑफ छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का सबसे युवा शव दाता बन गया है, यानी कि मृत्यु होने के बाद में अपने अंगों को दान करके 15 नए लोगों को क्या दिया है, इसने जीवन दान दिया है, और ये 8 वर्ष का बालक प्रखर साहू कोरबा छत्तीसगढ़ से था। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024 ऑर्गेनाइज? छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, ये सरगुजा है या फिर बस्तर? तो इसका जवाब है बिलासपुर में किया गया था। क्या छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024 का आयोजन, यहाँ हमारे लिए आज हम पहुंच जाते हैं 200 क्वेश्चंस तक। हॉस्टल वार्डन को डेडिकेटेड जो हम 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं उसमें, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम फिर से 50 क्वेश्चंस डील करेंगे और ऐसे दो वीडियोस को करते हुए हम टोटल एक 300 क्वेश्चंस का सेट पूरा कर लेंगे। तब तक आप हमारे चैनल में बने रहेंगे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।